राज्यों के चुनाव जैसे ही खत्म हुए वैसे ही केंद्र की मोदी सरकार ने पेट्रोल डीजल की रेट बढ़ाना शुरू कर दिया। पहले बंगाल में, असम में, केरल में, यहाँ सब जगह चुनाव थे, पांडिचेरी में। तब तक डर ये था कि वोट लेना है, यदि रेट बढ़ाएंगे तो वोट हमको नहीं मिलेगा। आप बंगाल हार गए, लेकिन देश की जनता की पीठ में खंजर मत मारिए। इससे बड़ा पाप कुछ नहीं हो सकता कि मोदी सरकार, जब पूरी दुनिया में क्रूड ऑयल के दाम कम हो रहे हैं, पेट्रोल डीजल सस्ता हो रहा है, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, यहाँ हमसे सस्ता है पेट्रोल डीजल। इस वक्त ना रोटी मिल रही है ना रोजगार मिल रहा है। कोरोना संकट में कोरोना बीमारी से लोग मर रहे हैं, लाशों के ढेर लग रहे हैं। वैक्सीन फ्री में देने को केंद्र सरकार तैयार नहीं। इस वक्त हमारा हक है, कानूनी और नैतिक जिम्मेदारी केंद्र सरकार ही है, सबको फ्री वैक्सीनेशन अब तक तो हो जाना चाहिए था पूरे देश में। आप वैक्सीन फ्री देंगे नहीं, पेट्रोल डीजल की रोज रेट बढ़ाकर पूंजीपतियों को फायदा मिलेगा, क्योंकि मान लीजिए एसआर के, रिलायंस के जो प्राइवेट पेट्रोल पंप है वो तभी चलेंगे जब हमारी रेटें बढ़ेगी। पेट्रोल डीजल का इतना पैसा दस जा रहा है और फिर आप फ्री वैक्सीन देते नहीं, नौजवानों से आप पैसे मांग रहे हो और अब आप पेट्रोल डीजल महंगा कर रहे हो, देश के साथ धोखा है। मैं इतना कह सकता हूँ, मोदी सरकार जो पाप कर रही है कोरोना संकट के समय में पेट्रोल डीजल की रेट बढ़ाकर, इससे हर चीज़ महंगी हो रही है। ऐसे ही रोटी का संकट है, इस समय आप रेट बढ़ा रहे हो, इससे बड़ा पाप मोदी सरकार कुछ नहीं कर सकती।